हेलो गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे एरर रेस्क्यू एरर को किस तरीके से हम फिक्स करते हैं। गाइज, इस तरीके का एरर कभी कभी आपके कंप्यूटर लैपटॉप में शो हो जाती है जब आपके कंप्यूटर लैपटॉप की ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, या फिर अगर आप अपने लैपटॉप पीसी से डुअल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमूव कर रहे हैं तब ऐसे एरर आ जाती है। तो इसको फिक्स करने के गाइज दो तरीके हैं, दोनों तरीके स्टेप बाय स्टेप मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका ये है, आपको यहाँ पर कुछ कमांड टाइप करने पड़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहला तरीका है वो अपनाते हैं। वैसे इस तरीके में कम ही चांस है कि आपके कंप्यूटर की लैपटॉप की कमांड से फिक्स हो जाए। गाइस, कमांड से 10% से 20% चांस है कि आपका रिकवर हो जाएगा और 80% चांस है कि नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर लैपटॉप पीसी में देखा गया है कि इस कमांड से फिक्स नहीं होता है। सेकेंड वाला जो तरीका है उससे 100% फिक्स हो जाती है। तो चलिए गाइज, लेकिन हम दोनों तरीका को यहाँ पर चेक करेंगे, क्या पता फिक्स हो जाए इस बार। तो चलिए यहाँ पे हम कमांड टाइप करते हैं। पहला कमांड, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ls। ls टाइप करने के बाद गाइज देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके का आपके पास ड्राइव शो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं। तो आपको एक एक करके सभी को चेक करना है कि क्या हमारा किस ड्राइव में मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल है। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर आपको लिखना होगा ls और ये ओपनिंग ब्रैकेट देना होगा, और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसमें आपको फिल करना होगा HD 0 MS DOS 6, और इसको क्लोज करते हैं और इंटर बटन को हम प्रेस करते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि लिख रहा है अनोन कमांड इज इतना इतना, मतलब ये जो ड्राइव है वो अनोन है, इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। तो इसी तरीके से सभी ड्राइव को आपको एक एक करके चेक करना है। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। देख सकते हैं इस ड्राइव में भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। तो अब हम इसमें चेक करेंगे। देख सकते हैं इस ड्राइव में भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। तो गाइज, इन सभी ड्राइव में मैंने चेक कर लिया, किसी में भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। तो अब गाइज यहाँ पर एक नया कमांड टाइप करना है, सेट SET। और गाइज देख सकते हैं कि ये हमें मिल चुका है कि इस ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो अब हम इसके करेंगे set boot और ये ब्रैकेट HD 0, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको यहाँ पर डालना है MS DOS 2। डालने के बाद गाइज यहाँ पर आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। सॉरी, मैंने यहाँ पर कमांड गलत कर दिया है, यहाँ पर आपको इज इक्वल टू देना है सेट। तो देख सकते हैं ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है ड्राइव। अब यहाँ पर नेक्स्ट कमांड आपको टाइप करना है सेट प्रीफिक्स। /boot/grep और इंटर बटन को प्रेस करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको टाइप करना है insinmod (normal). तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं लिख रहा है एरर अनोन फाइल सिस्टम। अब यहाँ पर टाइप करना है नॉर्मल। तो गाइज देख सकते हैं कि फिर से एरर यहाँ पर दे रहा है, मतलब कि ये सारा कमांड मैंने टाइप करके यहाँ पर चेक कर चुका हूँ, ये मेरा फर्स्ट तरीका से मेरा फिक्स नहीं हुआ। अब गाइज हमें सेकेंड जो वे है वो हमें ट्राई करना पड़ेगा, और सेकेंड तरीका ये है गाइज कि आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना होगा, या फिर अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क है तो आप उससे नए ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें, क्योंकि इसका कोई भी दूसरा अल्टरनेट नहीं है। एक तरीका था जो कि मैंने ट्राई कर चुका हूं, उससे रिकवर नहीं हुआ।
तो सबसे पहले आप बूटेबल पेन ड्राइव बना लीजिए, और किस तरीके से बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं और किस तरीके से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जैसे कि अगर आप विंडोज 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, इन चारों पे मेरा वीडियो बना हुआ है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बूटेबल किस तरीके से बनाते हैं ये भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा पेन ड्राइव बूटेबल बन चुका है, और मैंने फ़िलहाल विंडोज 8 का बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पेन ड्राइव बूटेबल बन चुका है। तो किस तरीके से बनाते हैं इस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पेन ड्राइव को अपने डेस्कटॉप पीसी में इंसर्ट करते हैं। गाइस मैंने अपने पीसी में पेन ड्राइव को इंसर्ट कर चुका हूँ, और चलिए अब हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। और रीस्टार्ट करने के बाद गाइस हमारे इस पीसी का बूट मेनू है F10। तो मैं बूट की को बार बार प्रेस करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे इस तरीके से प्रेस कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर उसकी बूटेबल जो ड्राइव है मेरा पेन ड्राइव वो यहाँ पर शो करने लगा है सैंडिस्क। तो मुझे इस पेन ड्राइव से इंस्टॉल करना है। अगर आप सीडी ड्राइव से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सीडी ड्राइव शो होगा, उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। और मेक श्योर गाइज कि सभी का बूट मेनू अलग होता है, तो आप अपने पीसी का मॉडल नंबर गूगल पे सर्च करें और वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि उसका बूट मेनू क्या है। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये जो मेरा पेन ड्राइव यहाँ पर दिख रहा है सैंडिस्क का, और इंटर को प्रेस करते हैं। और फिलहाल गाइज विंडोज 8 इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि इसमें 2 GB ही रैम है, इसलिए इसमें 2 GB रैम पर विंडोज 8 और विंडोज 7 अच्छे से वर्क करता है। और देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में विंडोज 10 इंस्टॉल है। अगर आप इस लैपटॉप का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज 8 की जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है वो यहाँ पर इंटरफेस शो हो रहा है, तो यहाँ से आप नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइज विंडोज 8 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस पर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, साथ ही विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 सभी चारों ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने का तरीका मैंने बताया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद इंस्टॉल होने के बाद 100% गारंटी के साथ देता हूँ आपका पीसी स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही गाइज इंस्टॉल होता है मैं आप लोगों को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि क्या मेरा सिस्टम स्टार्ट हुआ या नहीं। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर लाइव मैंने आप लोगों को जैसे ही इंस्टॉल हुआ मेरे कंप्यूटर में विंडोज 8, तो विंडोज इंस्टॉल होने के बाद मैंने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया, और रीस्टार्ट करने के बाद गाइज देख सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो आप भी अपने कंप्यूटर में गाइज नए ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कीजिए और 100% आपका ग्रब रेस्क्यू का जो एरर है वो फिक्स हो जाएगी। तो आई होप गाइज कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरीके का वीडियो आप लोगों को हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।